विमान में 12 साल तक के बच्चों को माँ बाप के साथ दे सीट। DGCA ने सभी एयरलाइंसों को दिया सख्त निर्देश। एक PNR पर यात्रा कर रहे लोगों के लिए सुविधा। नागरिक उड्डयन नियामक DGCA ने एयरलाइंसों से कहा है कि वे फ्लाइट में 12 साल तक के बच्चों की सीट उनके माँ बाप या अभिभावकों के साथ ही उपलब्ध कराएं। बच्चों को साथ वाली सीट अलॉट करने के लिए वह विमान यात्रियों से कोई अतिरिक्त शुल्क भी वसूल नहीं कर सकेंगे। DGCA ने मंगलवार को एक बयान जारी करके कहा है कि एयरलाइंसों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक PNR नंबर पर यात्रा कर रहे लोगों या समान रिकॉर्ड वाले लोगों के साथ यात्रा कर रहे 12 साल तक के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावकों के साथ ही सीट मुहैया करानी चाहिए। नागरिक उड्डयन के महानिदेशक ने कहा कि एयरलाइनों की ओर से अनबंडल सर्विसेज वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दी जाती है। मानकों के तहत अनबंडल सर्विसेज में कुछ सेवाएं जैसे जीरो बैगेज, वरीयता आधारित बैठने की व्यवस्था, भोजन, नाश्ता, ड्रिंक्स और संगीत वाद्य ले जाने का अतिरिक्त भुगतान करना होता है। ऑटो सीट का भी प्रावधान है। इसमें जिन लोगों ने सीट का चयन नहीं किया होता है उनकी सीटें खुद एयरलाइन ही निर्धारित कर देती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों 12 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्लाइट में माता पिता के साथ सफर करने पर नहीं बैठाए जाने की कई घटनाएं सामने आई थी। इसके बाद DGCA की तरफ से यह आदेश दिया गया है। DGCA की तरफ से फ्लाइट से सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार नियम बनाए जा रहे हैं। कई बार एयरलाइंस की तरफ से इन नियमों को पूरी तरह पालन नहीं किया जाता है। DGCA की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार यदि 12 साल तक के बच्चे माता पिता या अभिभावक के साथ सफर करते हैं तो बच्चे को एक अभिभावक के साथ सीट जरूर मिलेगी। सीट के लिए एयरलाइन की तरफ से कोई अतिरिक्त धन नहीं वसूला जा सकता।